मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, वो बड़े दिन से फड़फड़ा रहे थे कि कहीं नेता बन जाए। बड़े समाज में वो शादियों में, बर्थडे में, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, छोटा मोटा कैसा भी हो, किसी का भी हो, जहां उनको चार आदमी इकट्ठे मिलते हैं, वहां वो अपना कुर्ता पजामा लेके और अपने बालों को स्टाइल में काटते हुए पहुंच जाते हैं और जैसा माहौल होता है वैसा लोगों को खुश करने के लिए बोल देते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, उनको नेता बनना है। कहीं उनका फोटो लगा दो, कहीं उनको बुला दो, कुछ भी कहलवा दो, उनका एक मकसद है कि लोग उनकी जाने, लोग उनको माने और लोग उनकी तारीफ करें, क्योंकि उनको नेता बनना है। और वो बड़े सच्चे आदमी हैं, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं और मेरे साथ में तो खास तौर से स्वीकार करते हैं कि भाई मुझे तो नेता बनना है, कैसी बना दो। तो वो इधर से उधर बड़ा जंप करते रहते हैं, उनके पोस्टर पे नाम बदलते रहते हैं लोगों के, फोटो उनका वही रहता है। तो एक बार उनसे मुलाकात हुई, उनके घर पर हुई, तो वो एक पोस्टर तैयार करवा रहे थे और उसमें जो पोस्टर बनाने वाला था उसको डायरेक्शन दे रहे थे। तो पोस्टर बनाने वाले ने कहा, जी कि आपका फोटो मैंने लगा दिया है, क्या इस व्यक्ति का भी फोटो लगाना है? तो जो नेताजी यानी मेरे मित्र थे, उन्होंने उसको डांटते हुए कहा कि तू पागल है क्या, इस गधे का भी फोटो लगा। अरे इस गधे का फोटो नहीं लगाएगा तो मुझे कौन पहचानेगा? तो मैंने कहा, किस गधे की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक नया गधा आया है, अब इसके ऊपर लदना है। हंसी मजाक की बात है, तो वो हंसी मजाक में बोलते रहते हैं। तो मैंने देखा कि जिसको वो गधा बोले थे वो एक समण समाज यानी SC ST OBC में उभरता हुआ एक चेहरा है और लोग उसको उभार रहे हैं। लोगों से ज़्यादा उसको पहले तो जो मीडिया लोकल था SC ST OBC का उसने उभारा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लोगों ने उसको हाथों हाथ ले लिया, लोगों को कुछ उम्मीद लगी होगी उसमें, क्योंकि लोगों की उम्मीद तो लोग जाने, तो फिर उसको नेशनल मीडिया ने पकड़ लिया और नेशनल मीडिया ने उसको उभारना शुरू किया, आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर उसके पास कुछ लोगों ने पैसा दिया, किसने गाड़ी दी, किसने कुछ दिया, आज के समय वो उभरता हुआ चेहरा है। तो मैंने कहा, आप इसको गधा कह रहे हैं और आप इस पर सवारी करने जा रहे हैं? तो वो कहने लगे, इसने मुझे प्रभारी बनाया है और मेरा चेहरा तो कोई इंडिया में जानता नहीं, तो जो मेरे चेहरे को ला देगा उसको मैं गधा ही तो कहूँगा। तो ऐसे गधे आते जाते रहते हैं। तो मैंने कहा, आपको लगता है कि ये आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा जानकार है, आपसे ज़्यादा समझदार है? तो वो कहने लगे कि भारतीय राजनीति में जानकारी और समझदारी बेवकूफ़ों की निशानी है। यहाँ जानकारी और समझदारी या इंटेलेक्चुअल लेबल या कितने पढ़े हैं, कितने लिखे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो इससे लेना देना है कि हवा किसकी चल रही है और आप किस हवा पे सवार हैं। और समझदार राजनीतिक वही होता है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है या तो हम MLA बने या काउंसलर बने या MP बने या हम टिकट बेचें या टिकट बांटें, हमारा नाम हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें तो जो सवारी लेटेस्ट मिले और जो अच्छी मिले और जो सस्ती मिले, हम तो उसमें जाएंगे। तो मुझे वो याद आया कि भाई अगर कोई सवार होता है, अगर किसी सवारी को जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो समझदार जो सवारी होती है वो या तो बस पकड़ेगी या ऑटो पकड़ेगी या रिक्शा पकड़ेगी या महंगी कार मंगा लेगी या अपनी कार लेगी, पहुँचना है तो वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सवारी करनी है तो सवारी सस्ती होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और पहुँचा दे, वही काम है, उसके बाद सवारी छोड़ दी जाती है, यानी हम पहुँच गए, सवारी छोड़ दी। हाँ, आगे जाना है तो फिर सवार हो गए उसके ऊपर, और आगे जाना है तो फिर सवार हो गए, और सबसे आगे जाना है तो सवारी को ख़त्म कर दो और खुद वहाँ पहुँच जाओ ताकि कोई दोबारा वहाँ पहुँचे ना, ये राजनीति का नियम है। तो मुझे हंसी भी आई, मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो नेता कैसे बनते हैं। नेता कई तरह से बनते हैं। एक तो अगर मैं नेता बन जाऊं और मेरा बच्चा है तो वो अपने आप नेता बन जाएगा, क्योंकि मैं उसका बाप हूं, तो वो मेरा जो बेटा है ऑटोमेटिक लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे कि भाई इसका बाप नेता था तो चलो इसको भी नेता मान लेते हैं। यहां कोई सोचता नहीं है कि इसमें क्या अकल है क्या नहीं है।
दूसरा ये होता है कि अगर मैं नेता बन जाऊं तो जिसको भी मैं बुला के लाऊं, जिसको भी मैं बैठाऊं, जिसको मैं टिकट दे दूं, वो नेता बन जाएगा। एक नेता ऐसा होता है कि कोई सवारी बहुत अच्छी है और आप उसकी चमचागिरी करें, उसके पीछे जाएं किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद छल कपट, या तो उसको पैसा दें या उसको कहलवाएं या उसको दबाव दें या उसको भरोसा दें या उसको समझदारी दें या उसकी चापलूसी करें या उसकी चमचागिरी करें, किसी भी तरह से आप उस पर सवार हो जाइए, उसका फोटो छापिए साथ में अपना छापिए, तो आपका चल जाएगा, तो आप नेता बन जाएंगे। एक आप किसी नेता की खूब चमचागिरी कीजिए, खूब उसकी वाह वाह कीजिए, खूब उसकी तारीफ कीजिए, खूब उसके पोस्टर छपवाइए, कभी ना कभी वो कृपा करके आपको कहीं ना कहीं टिकट दे देगा। ये सबसे आसान तरीके हैं नेता बनने के। और जो सबसे मुश्किल तरीका है नेता बनने का, वो है कि आप समाज को जगाएं, समाज के पास जाएं और उसको सच बात बताएं। और इसमें नेता बनने का चांस 1% है और 99% चांस है कि आप उसमें अपना पूरा जीवन देंगे। क्योंकि जो सामाजिक काम करता है वो नेता नहीं होता, उसके बाद कुछ लोग नेता बन जाते हैं, कभी कभी वो सामाजिक आदमी भी नेता बन जाता है। तो मुझे उनकी बातें इतनी सच्ची और इतनी प्रैक्टिकल लगी, तो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जिस पे वो नेताजी सवारी करके अपना पोस्टर छपवा रहे हैं और जा रहे हैं, जिन पे वो सवारी करते हैं, जो नाम आप लोग बढ़ाते हैं, जो लोग आप उठाते हैं, जिस नाम के पीछे आप भागते हैं, क्या आपने वो नाम कभी वेरीफाई किया है? कभी उस व्यक्ति से पूछा है आपने कि भाई हम तुझको नेता मानते हैं तो तेरी क्या खासियत है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, क्या विजन है, क्या आइडियोलॉजी है, कैसे करेगा, या रट्टू तोता है? क्योंकि जो अच्छे अच्छे विचारक हैं उन्होंने ये बताया है कि अगर नेशनल मीडिया जिस व्यक्ति को बढ़ाता है वो व्यक्ति नेशनल मीडिया का होता है, और जिसको समाज बढ़ाता है वो समाज का होता है, जिसको परिवार बढ़ाता है वो परिवार का होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर कोई सवार है या आप किसकी सवारी कर रहे हैं। ये जानकारी आपको अगर होगी तो आप अपने बच्चों को, अपने देश को, और जो इस समय संविधान में धाराएं आपके लिए हैं और जो संविधान आपके लिए देता है, उसको आप अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। इतनी जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि जब आदमी बैंगन भी खरीदता है तो बैंगन को भी दो बार घुमा के देखता है कि कहीं कीड़ा तो नहीं लगा है। आप तो अपने भविष्यों का, अपने बच्चों के भविष्यों का पूरा सिस्टम लेने जा रहे हैं, उसको चुनने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर देखिए, घुमा फिरा के देखिए, बार बार देखिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए, जानिए, उसकी जड़ तक जाइए। ये जितने यूट्यूब चैनल हैं समर समाज के, उनसे कहिए कि इस व्यक्ति की हिस्ट्री बताइए, और उस व्यक्ति को कभी बुलाकर उससे पूछिए कि बताइए ना कि आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आइडियोलॉजी क्या है, आपकी जो टीम है वो क्या है, टीम में कितने लोग जागरूक हैं, पुरानी टीम कहाँ गई, नई टीम कहाँ है, आने वाली टीम क्या होगी, कैसे सिस्टम है, कितने आप ऑफिस बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपका नेटवर्क क्या है, आपका लेन देन क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे फाइट करेंगे, चेंज कब होंगे, बदलेंगे कब, बिकेंगे कब, खरीदेंगे कब, ये पोजीशन आएगी तो आप क्या करेंगे, वो पोजीशन आएगी तब क्या करेंगे। जब तक आप ये नहीं पूछेंगे, आप यकीन मानना आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं वो दूसरे लोग कर रहे हैं, और जो करेगा वो आपसे कीमत वसूलेगा। फिर आप पछताइए मत, आप रोइए मत, और आप फिर उनको कोसिए मत और गाली मत दीजिए, क्योंकि जब समय था आपका पूछने का आपने पूछा नहीं, अब समय उनका है जिनसे आपने पूछा नहीं, तो आपका पूछने का अधिकार खत्म। धन्यवाद। गच्छामि।
शरणं गच्छामि साधु साधु।